मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी। ये देख रहे हो भाई साउंड सुना जी। कैसा फील हो रहा था आपको सही बताना। बिल्कुल एकदम रश थी, ब्लड रश हो गया था मेरे को तो। डर लग रहा था। डर वाली बात नहीं, ब्लड रश होता है, एड्रेनलिन हाई हो गया था मेरा तो। सॉरी भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन प्राइम है, इसकी 0 to 100 स्पीड टेस्ट करेंगे कितनी देर में जाती है। और यहाँ पे हम खुले एयर रोड मतलब सही है जिस पे टेस्ट करेंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ तो है नहीं। देखते हैं एक बार नॉर्मल मोड में देखेंगे और एक बार स्पोर्ट मोड में देखेंगे कि कितनी देर में जाती है 0 to 100। देखो 57,740 किलोमीटर चली हुई है और लग गई स्पोर्ट मोड। अब करेंगे स्टार्ट, 3 पे चलेंगे हम, 1 2 3। वो देखो भाई, देख लेना मैं डाल दूंगा स्टॉप वॉच कितनी देर में जाएगी। 100 पहुंच गई, 100। काफी जबरदस्त टॉर्क पकड़ती है स्पोर्ट मोड में, मतलब फील करा देती है। ये देखो भाई, एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे राउंड करके दिखाता हूँ आपको, एक स्किट कितना जबरदस्त करती है। सीट बेल्ट वगैरह हम पूरे फिट है यहाँ पे, ये देखो। एक बार देखो भाई, पावर देखो, ये स्लिप मारती है, मतलब पूरा फील आता है इसमें। और ब्रेकिंग मतलब ब्रेकिंग इतनी जबरदस्त है ये तो, कि मोटर है ना तो ब्रेक रोकने के लिए भी काफी जबरदस्त ब्रेकिंग दी हुई है इसकी। यहाँ पे देखो स्किड कितना जबरदस्त करती है। ये बच्चा आ गया यहाँ पे देखो, 100 पता ही नहीं चलती, कम पैर पकड़ लिया इसने। ये देखो यहां पे दिखा हूं मेरे पास, देख रहे हो भाई, मतलब एकदम पावर लेते हैं, स्टैंड पावर। और देख डाल दूंगा मैं उसमें स्टॉप वॉच डाल दूंगा कितनी देर में गई है, वो भी देख लेना आप टाइमिंग से। मजा आ रहा है पूरा इसको चलाने में, कहने का मतलब ये थोड़ा सा आगे तक ले जाते हैं इसको। ये देखो मतलब बीच बीच में स्लिप मार देती है। ईवी को लोग यही बदनाम करते हैं, लेकिन जो इसको चला लेगा ना वो फैन हो जाएगा ईवी का। थोड़ा सा वही ये चार्जिंग का सीन है, चार्ज वगैरह होके थोड़ा कम चलती है, वो थोड़ा सा उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी। ये देख रहे हो भाई साउंड सुना, मतलब ये फील और कोई गाड़ी नहीं दे पाएगी, इंस्टेंट एकदम तुरंत स्किड मार देगी चलते हुए। ये देखो अब देखना, भाई जैसे आप भीतर बैठे थे इसमें अंदर जी, कैसा फील हो रहा था आपको सही बताना। बिल्कुल एकदम रश थी, ब्लड रश हो गया था मेरे को तो। डर लग रहा था। डर वाली बात नहीं, ब्लड रश होता है, एड्रेनलिन हाई हो गया था मेरा तो। सॉरी भाई, मुझको पता नहीं था। तो अब तो नॉर्मल हो ना, कोई दिक्कत नहीं? नहीं बिल्कुल बढ़िया एकदम, मतलब कंट्रोल, जैसे ऐसा लग रहा था कि आज तो गए या फिर या... नहीं नहीं ऐसा एक बार भी नहीं लगा, गाड़ी पूरी कंट्रोल में, कंट्रोल में थी बिल्कुल। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ भाई, जैसे हमने चलाई है गाड़ी अभी, ये थोड़ा सा ये ड्रिफ्टिंग सी मारी है, मतलब कंट्रोल कहीं भी गाड़ी ने खोया नहीं है ईवी ने, ऐसा मतलब फील कराती है कि हाँ मैं कंट्रोल में हूँ। और पूरा मजा आता है इसको, मतलब ड्रिफ्ट ऐसे मार देती है कहीं भी चलते हुए, सिस्टम हैंग कर देती है पूरा है। तो 0 to 100 हमने किया इसका, एक बार और ट्राई करेंगे नॉर्मल मोड में। वैसे मजा तो जो है स्पोर्ट मोड में ही है इसका, 0 to 100 का, नॉर्मल मोड में तो ये कम ही पहुँचेगी। जैसे मेरे साथ आप बैठे थे गाड़ी में, तो कैसा फील हो रहा था आपको?
बताया एक एड्रेनलिन रश थी बस, और कुछ नहीं थी। अच्छा। बट ये था डर नहीं था कुछ भी। अच्छा। कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है ऐसा कुछ है, गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल में थी। और एक जो हाई सेंस का एड्रेनलिन रश होता है ना इंसान में जब वो आउट ऑफ द वे जाकर काम करता है, वो चीज थी। तो अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हमने थोड़ी सी इससे ऑफ रोडिंग सी की थी, यहाँ पे की थी, देखो बिल्कुल खाली है, ये देख रहे हो यहाँ पे टायरों के निशान भी आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से जीरो टोकी से आपने देख लियो कितनी देर में गई है। और ये रही अपनी ब्लैक बीस्ट, तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बताना, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर जाना, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।